डियर स्टूडेंट्स, 10 टॉपिक्स 10 सब्जेक्ट से आज हम लोग फिर करेंगे, लेकिन आज के इन 10 टॉपिक्स में पेजेस और उनके नंबर्स नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि टाइम निकल रहा था, डिले हो रहा था, हमें लगा कि जल्दी से आपको ये टॉपिक्स मिल जाए, तो सिर्फ आज भर आपको इनके नंबर्स नहीं दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट ये टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। तो आप इन्हें करें, हम आपको गाइड कर देंगे कि ये बुक्स में कहाँ पे मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि लूसेंट और क्रॉन करने से बीपीएससी निकल जाएगा। तो देखिए, हमारा ये मानना है कि किसी एक बुक में सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमने कहा है कि आप कम से कम ये दोनों बुक लें, और आपको तो यूनिक गाइड लेना चाहिए, TMH लेना चाहिए, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत हैं, NCERT भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर छात्र NCERT में दिलचस्पी नहीं लेते जिनके पास टाइम कम है, तो इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। हम लोग चलिए प्रयास करते हैं, कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो एक सत्य है, सत्य कथन है। चलिए आज के 10 इन टॉपिक्स को देखते हैं कि इनमें कैसी बातें हैं, क्या कुछ है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। पहला टॉपिक आज जो हमने लिया है वो है वैदिक सभ्यता से। वैदिक, पिछले टॉपिक हम लोगों का सिंधु सभ्यता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस बार वैदिक कल्चर हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे संवाद में भी आपको जहां तक संभव हो सकेगा टॉपिक्स में बांटकर आपको समझा भी देंगे, लेकिन अभी आप इन्हें नोट कर लें, ये बुक्स में इंडस के बाद नेक्स्ट जो हमारी दूसरी सभ्यता है, बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता, इसे हम लोग करेंगे। दूसरा टॉपिक आज हमने लिया है भारत छोड़ो आंदोलन, एक एंशियंट एक मॉडर्न हम लोग कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत BPSC फ्रेंडली टॉपिक, या कहें कि किसी भी ऑल इंडिया के कंपटीशन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बराबर दिखते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, तीसरा टॉपिक ज्योग्राफी से चट्टान हम लोग करेंगे, यानी रॉक, ये कहां मिलेगा, ये आपको लिथोस्फीयर में स्थल मंडल में मिलेगा, भारत के विश्व भूगोल में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप जाएंगे बुक में, और वहां पर जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल ये दिया हुआ है, आप इसमें स्थल मंडल में, लिथोस्फीयर में इसे खोजेंगे, ये मिल जाएगा जहां पर ज्वालामुखी पर्वत पठार ये सब दिया हुआ है। ये देखिए रॉक आप तीन टाइप करेंगे, तीन तरह के की चट्टाने हैं, आग्नेय, परतदार और रूपांतरित, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें किस चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं यानी इग्नियस रॉक, किसको परतदार और किसे हम लोग रूपांतरित कहते हैं, तो ये आपको समझना है। जैसे संगमरमर अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने किया था कि मार्बल क्या है, ये किसका रूपांतरण है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है तो ये किसका रूपांतरित चट्टान है, इस तरह से आप करेंगे। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक भारत के बंदरगाह, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी एक इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, इस बार पोर्ट हम लोग करेंगे, बंदरगाह ये कहां मिलेगा, किताब में बुक में ये आपको मिल जाएगा, जहां पे नेशनल हाईवेज नहीं, नेशनल वाटरवेज में, तो जहां पर नेशनल हाईवेज हैं, वाटरवेज हैं, वहां पर ये जहाज रानी टॉपिक आपको मिलेगा, वहां पे ये मिल जाएगा। तो आप बंदरगाह करेंगे, पश्चिमी बंदरगाह आमतौर पर कहां पे होते हैं, समुद्री तट पे होते हैं, तो आपको जो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, ओडिशा से लेकर गुजरात तक हमारा जो पूरा तटीय क्षेत्र है, इसमें कहाँ पर विशाखापट्टनम है, कहाँ पर कांडला है, कहाँ पर इस तरह का जो पारादीप है, ये बंदरगाह आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे प्राकृतिक और किसे हम लोग मैन मेड यानी कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक साइंस का, दो टॉपिक हम लोग डेली कर रहे हैं, आप अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन करेंगे, अब ये कहाँ मिलेगा, है तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन ये मिलेगा आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी टॉपिक में, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉपिक में आप देख लेंगे, ये बुक में बहुत अच्छे से शायद ना मिले, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा नेट सर्च कर लें। क्या करना है इसमें, आपको अम्ल वर्षा में दरअसल किस तरह के एसिड का फॉर्मेशन होता है, कौन सा एसिड बनता है, किस तरह से ये फॉर्म करता है, उद्योगों से, गाड़ियों से, किस तरह से जो गैसेस हैं वो निकलते हैं, पर्यावरण में जाकर ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और धरती पर गिरते हैं तो किस तरह से स्टोन कैंसर क्रिएट करते हैं, तो ये सब आपको समझना है। नेक्स्ट आइए सुप्रीम कोर्ट, 7 नंबर टॉपिक,
न्यायपालिका हमने आपको टॉपिक नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता अगर हम जुडिशरी आपको देते। आपको हमने सुप्रीम कोर्ट दिया है, आप इसे करें, काम चलेगा अच्छे से, उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट यानी इसकी स्थापना कब हुई, इसके चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होते हैं, इसके जो जनरल जो न्यायाधीश हैं वो कैसे, जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, ये इलेक्टोरल माफ़ करेंगे कॉलेजियम क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, कितने चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट में कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये रिज़ाइन कैसे करते हैं, इनके अधिकार क्या है, ये सब आप समझेंगे। नेक्स्ट आइए, वर्ल्ड बैंक और IMF आपको समझना चाहिए। हम लोग इकोनॉमी में वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं, आपको समझना है कि वर्ल्ड बैंक कैसी संस्था है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, किसे वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है, किसे हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या है, तो ये आप वर्ल्ड बैंक कर लें। इसके अध्यक्ष का भी नाम हमें जानना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब। नेक्स्ट, भारत में प्रथम, देखिए ये जीके का एक टॉपिक हम लोगों ने लिया है, ये पिछली बार हम लोगों ने महिलाओं में प्रथम, पुरुष में प्रथम, और इस बार हम लोग करेंगे भारत में प्रथम। भारत का पहला सैटेलाइट कौन था, भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ वो कहाँ हुआ, इस तरह से आप फर्स्ट इन इंडिया करेंगे। ये कहाँ मिलेगा, ये गाइड बुक के लास्ट में मिलेगा, आप पिछले करते जो भी आ रहे हैं भारत में प्रथम महिला पुरुष, उसी के एक पेज के इधर उधर सिम में डिफरेंस पे ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत बिहार में हम लोग कर रहे हैं इस बार भारत छोड़ो आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट हम लोग कर रहे थे, अब बिहार की टॉपिक में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कैसा रहा, ये स्पेशलाइज्ड आपको करना है, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को बिहार के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से बिहार में यह आंदोलन चला, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, सचिवालय गोलीकांड क्या था, ये सब आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज़ाद दस्ता बना था बिहार में, आप अगर हम कहें कि क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे प्रखर सबसे इफेक्टिव कहाँ चला, तो वह बिहार कुछ चुने राज्यों में से एक होगा, तो ये आप करें। नेक्स्ट एंड लास्ट, जनगणना 2011, इसमें इस बार हम लोग शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे कि अनुसूचित जातियों वाले राज्य सर्वाधिक, फिर प्रतिशत में, परसेंटेज में, फिर लीस्ट सबसे कम, उसके बाद बिहार में स्थिति, फिर ये देखेंगे कि संसद में SC ST का, राज्यसभा में लोकसभा में क्या परसेंटेज है, बिहार में क्या परसेंटेज है, तो ये आप जनगणना करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में ये प्रश्न दिखेंगे तब इनकी महत्ता का हमें पता चलेगा। तो आज के ये 10 टॉपिक्स यहीं पर रखते हैं, आज 30 क्वेश्चंस का जो हम लोग टेस्ट सीरीज आज करने वाले थे, लगता है कि थोड़ा कठिन हो रहा है, देखते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं तो ये कल आने की संभावना बन रही है। आप इन 10 टॉपिक्स को अच्छे से करें, बिल्कुल दिल लगा के करें, इसके रिजल्ट्स अच्छे नतीजे निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अपना ध्यान रखें, जुटे रहें, डटे रहें, हटें नहीं। टेक केयर।